बीते कुछ दिनों से फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और कंगना रनौत के बीच तू तू मैं मैं चल रही है। दोनों का ट्वीट वॉर सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले अनुराग ने कंगना को ट्वीट करके व्यंग्यात्मक लहजे में ये भी कहा था कि वो चीन से युद्ध क्यों नहीं कर लेती। कंगना ने बीते दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें एक एक्टर ने ड्रग्स देने की कोशिश की थी ताकि वो शूट पर ना जा सके। अब अनुराग ने उनके इस बयान को खारिज किया है। अनुराग ने बताया है कि उन्होंने कंगना को खुद अपनी मर्जी से ये सब कुछ करते देखा है। एक इंटरव्यू के दौरान अनुराग कश्यप ने बताया कि फिल्म क्वीन की शूटिंग के दौरान उन्होंने कंगना को खुद शैंपेन पीते देखा ताकि वो फ्री स्पिरिट होकर अपनी लाइनें बोल पाए। अनुराग ने कहा कि किसी ने ना तो उनको जज किया ना ही जबरदस्ती की थी। अपनी झिझक मिटाने के लिए उन्हें शैंपेन की जरूरत पड़ती थी। फे डिसूजा से बातचीत में अनुराग ने कहा, जब उनका आत्मविश्वास कम था तो मैंने उन्हें ये सब करते देखा है और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब वो इन सब से बाहर आईं तब मैं उनके टच में नहीं रहा। उन्होंने इसके बाद ही खुद को बदला, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि किसी ने उनके साथ जबरदस्ती की थी। मुझे नहीं पता कि पहले क्या हुआ, लेकिन जब मैंने ये सब देखा तो किसी को उनसे जबरदस्ती करते नहीं देखा था। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, ये लोगों की अपनी मर्जी होती है। अनुराग ने अपना अनुभव भी बताया कि जब पहली बार उन्होंने ये सब किया था तो सामने वाले इंसान ने मुझसे कहा था कि लेकर देखो मजा आएगा, आप ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी होती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कंगना रनौत का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि कंगना रनौत और बीएमसी के बीच की लड़ाई अब बॉम्बे हाई कोर्ट में है। ऑफिस तोड़े जाने के बाद कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बीएमसी से 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। अब बीएमसी ने हलफनामा दायर किया है। इस पर लिखा है कि कंगना की याचिका निराधार है और उन्हें इस पर खुद जुर्माना देना चाहिए। बीते दिनों बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की थी। अधिकारियों का कहना था कि उनके ऑफिस का जो हिस्सा अवैध निर्माण था उसे गिराया गया था। वहीं कंगना का कहना था कि उनके ऑफिस में कोई भी रेनोवेशन गलत ढंग से नहीं हुआ था। कंगना के वकील ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर तोड़फोड़ पर स्टे ले लिया था। इसके बाद 15 सितंबर को कंगना की तरफ से एक संशोधित याचिका दायर की गई थी। इसमें मुआवजे के तौर पर बीएमसी से 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे। अब बीएमसी ने जवाबी हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि कंगना की याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इस पर विचार नहीं करना चाहिए, साथ ही कंगना पर जुर्माना लगना चाहिए। आपको बताते चले, कंगना की याचिका पर 22 सितम्बर को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।